सुभाषय चक्षुर्मृतंगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पद्रुवश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे विष्णुपाद अष्टोत्तरकृष्णाधिभक्ति वेदांत श्रवण गोष्ठी महाराज तथा ओम विष्णुपाद परिव्राजाचार्य वर्ज त्रिदंडी स्वामी श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोष्ठी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि सत्संग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात से सन्यासी वृंद मातृवृंद गोलगत सज्जन वृंद सभी को चरण कमल में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बड़ा सौभाग्य की बात है हम लोग श्री गुरु महाराज के चरण कमल के सानिध्य में बैठ रहे हैं। उनकी मुखार वृंद से हम लोग नवद्वीप धाम महिमा विशेष करके सचिनंदन गौर हरि की अवदान और वैशिष्ट के बारे में हम लोग श्रवण किया था। गुरुदेव को ही चरवित चरवन उनके जो उच्छिष्ट उसी के स्मरण करके दो श्लोक दो एक शब्द के द्वारा अपने वाणी को मैं कविता कर। विशेष करके इस कलयुग में एकमात्र गौर सुंदर ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। क्यों चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज स्पष्ट रूप में लिखे अमा बिना अन्य नहीं दीते कृष्ण प्रेम सम सचिनंदन गौर हरि यह बताया। इस कलयुग में एकमात्र मैं ही कृष्ण प्रेम दे सकता हूं और युगों में विशेष करके स्वयं भगवान हर युग में आते रहते हैं उनके अवतार आते हैं और समय के अनुसार स्वयं भी प्रकट होते हैं किंतु भगवान वजनंदन स्वयं सुंदर और दापर में नहीं आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन बीतने के पश्चात दापर उनके अंतर ही में आते हैं और वही दापर के अंत अर्थात कलयुग के प्रात काल में संध्या काल में उन्हीं कृष्णचंद्र गौर सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात 1000 युग बीतने के बाद 1000 चतुर्युग बीतने के बाद तब कृष्ण आते हैं दापर युग में और वही दापर युग के अंत अर्थात कलयुग के प्रारंभ में उन्हीं कृष्ण सचिनंदन गौरहरि के रूप में आते हैं। तब वो समस्त जीवों के कृष्ण प्रेम रूपी पारों के द्वारा सबके प्राहित करके अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं इस कलयुग के कहा गया धन्य कलयुग। इसलिए हमारे लोचनदास ठाकुर कहते हैं केजावी केजे मेरे भाई भवसिंधु पार। इस कलयुग की यह महिमा इतना जे किस में यदि इस कलयुग की धराधाम अर्थात माया जगत के माइक जगत के पार करके भगवत धाम में जाना है तो एकमात्र सचिनंदन गौधरी के चरण आश्रय करें। इसलिए कहते हैं गुरु रूपी नाव में बैठो और नाम रूपी नाम संकीर्तन रूपी केरवाल अर्थात उसके नाम संकीर्तन के द्वारा इस सचिनंदन गौधरी समस्त जीव जगत जीवों की ही इस संसार से पार कर दें। जो लोग श्रद्धा के साथ नाम करते हैं उन्हीं लोग इस संसार से पार हुए और युवक के जी नाम की महिमा बताया गया वो कहा जाता है तारक ब्रह्मना। किंतु कलयुग के जो नाम दिए उसके तारक ब्रह्म राम नाम की कहा जाता है तारक ब्रह्म राम नाम तारक है तारक न ब्रह्म राम नाम कहा जाता है। और ये हरे कृष्ण नाम संकीर्तन जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
ये समस्त जीव के कार्य से पार करके ले जाते हैं। केवल यही नहीं है, विशेष तरह से जितने मैंने गौर हो रही इस कलयुग में जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इस वो प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर द्वारका, द्वारका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन, यह प्रेम को चैतन्य महाप्रभु सबको दे रहे हैं, उड़ान रहे हैं। जैसे कोई उत्सव होता है, किसी आनंद उत्सव होते हैं और अपने सारे धन के जो है लुटा देते हैं, उसी प्रकार सचिदानंद गौर हरि अपने नित्य गोलोक वृंदावन धाम से वह प्रेम के लेकर के आए हैं। कि श्रीमद महाप्रभु गौर सुंदर देखा, इस कलयुग में कोई लेने वाला नहीं। बोले कले दोस्त थे राजनो, हे राजन श्रीमद भागवत में सब सुखदेव सही बात करे, हे महाराज परीक्षित, कलयुग में सब मनुष्य के दोस्त दोषी, एक दूसरे के दोस्त दोषी देखते रहते हैं, अपना दोष नहीं देखना चाहते, दूसरे को दोष देखते हैं। ये कलयुग की यही नीति। किंतु श्रीमान महाप्रभु पिछले कार्य बोले दोस्त थे राजनो, ये नीति मैंने खजाना है, दोस्त के खजाना खजाना ही है। किंतु कहते एक ही कलयुग के गुण क्या है, नाम और संकीर्तन दुख, वो नाम संकीर्तन के द्वारा जीव इस संसार से पार हो सकते हैं। किंतु कलयुग की नाम संकीर्तन दूसरे नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में नाम और प्रेम माला कथि पढ़ाई जग जने। इस कलयुग में श्रीमान महाप्रभु वह नाम में एक विशेष प्रेम दे दिया, और नाम में तो आत्मन के साधन रूप में सब मुक्त हो जाते हैं। तभी नाम में मुक्त क्या है, नाम भाव में जीव जीवों की मुक्ति हो जाती है। जिससे हमारे विकास प्रभु के साथ जब वार्तालाप हुई, श्रीमन महाप्रभु नाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन हरिदास के भक्त ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु स्वयं बोले हे हरिदास इस कलयुग के मनुष्य कैसे उद्धार होंगे। तो श्रीमन महाप्रभु स्वयं तब हरिदास ठाकुर कहने लगे प्रभु सब नाम भी मुक्त हो जाएंगे, एकमात्र नाम कोई ग्रंथ रहे। कहते हैं देखो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे देखो पशु पक्षी तो नाम नहीं कर सकते, श्रीमन हरिदास ठाकुर कहते हैं उच्च स्तर नाम लिए तार सब तरह, कोई उच्च स्तर से जोर से नाम कीर्तन करे और ऐसे नाम में इतना पावर है उसके धरी वाइब्रेशन किसी के कान में प्रवेश करे वो भी उद्धार हो जाते हैं। फिर महाप्रभु बोले देखो जवान लोग मुसलमान ये लोग भी नाम नहीं करते हैं और नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, कहते वो लोग भी हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु वो मेरे को किसी प्रकार से नाम ले ले। जैसे उदाहरण दे रहे हैं एक समय एक मुसलमान पाचकृत्य करने के लिए गए और पैकिंग करने के लिए गए, इतने समय एक जंगल के सुअर आकर के आक्रमण कर रहे, तो वो मुसलमान शब्द से वो कहने लगे हराम हराम अपवित्र अपवित्र, और इतने समय आकर के वो सुअर उसके मार डाला और देखो उसके गति क्या हो गए, उसके शरीर छोड़ने के साथ साथ हाथ राम हाथ प्रेम वाचक राम भगवत नाम आ गया, उससे भी वो मुक्त हो गया। इसलिए हरिदास ठाकुर इतने भी नाम की महिमा बता रहे हैं प्रभु इस कलयुग में किसी भी नाम की भी महिमा नाम की बात क्या है, केवल नामाभास में जीव मुक्त हो जाए, एक बार कोई जीव एक बार उनके नाम रहे और शुद्ध नाम कोई एक बार चरण में सदगुरु चरणाश्रय करके वो जीव साक्षात गुरु वृंदावन धाम के प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कलयुग के नाम के महिमा सर्वत्र बताया। आज भी जितने लोग भी आए हैं ये सब नाम के महिमा, श्री गुरुदेव देश विदेश में जाते हैं नाम की महिमा प्रचार करते हैं, इसलिए तो सब लोग आए। केवल इसलिए कहते हैं रतन दास ठाकुर के प्रेम और दाता से आज देखो जितने इंग्लैंड अमेरिका आदि सब है ये सब गुरुराज गुरु महाराज के इतने प्रेम की हवा ऐसी चल रहे उस हवा से मन सब उड़ करके इधर आ गया। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं जब हवा चलती है ब्रज के सारे ध्रुव जाकर के जमुना में जा जाते हैं, जमुना में पड़ जाते हैं और जमुना देवी अपने के धन्य मानते हैं। उसी प्रकार आज गुरु महाराज देश विदेश में जाते हैं उनके प्रेम की केवल हवा जो है इतने गंध जो है देखो आज वो कितने लोग सब ये फूल के भांति सब आज ब्रज में आ गए और गुरु महाराज के चरण में आश्रय ले गया। बोलो श्री गुरुदेव की। इसलिए ये प्रेम की विशेषता है नाम के महिमा। इसलिए ब्राह्मण शास्त्र में सब कहते हैं जितने भी शुद्ध नाम चरण करते जाए सदगुरु चरणाश्रय करके उतना ही परिणाम होते निर्मल चित्त और धीरे धीरे भगवत प्रेम प्राप्त होगी। Thank you.
ज्ञानशलाकय चक्षुरुन्मीलित तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी सन्यास ब्रह्मचारी एवं सज्जन भक्तवृंद सभी को मेरा अभिवादन प्रणाम। अभी अभी हम लोग नवद्वीप की परिक्रमा करके आए हैं। महाराज जी से और गुरुवचन जी सुना है, उसी को मैं दोहराऊंगा। तो नवद्वीप धाम कलयुग में सभी जितने भी तीर्थ हैं, जैसे युग में जैसे एक एक मंत्र का प्रभाव होता है, ऐसे कलयुग में नाम संकीर्तन महामंत्र का प्रभाव है। और कलयुग के में इस प्रकार गौरचंद्र गौरहरि नाम प्रेम देने के लिए आए, उसी प्रकार उनका धाम भी संकीर्तन महोत्सव कलयुग में यही रास भी है। तो कलयुग में जितने भी चीज है और चीजों से नवदीप धाम का विशेष महिमा है। इसलिए कहते हैं कि गौर धाम गौर नाम, गौर का धाम और गौर का नाम जो लेगा वो अनायास ही संसार सिंधु से पार हो जाए। संसार सिंधु तरने हृदय यदि श्याम, जिनका संसार सिंधु या संसार समुद्र तरने की इच्छा है वो जरूर गौर धाम का आश्रय लेंगे। जिनकी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन प्रेम में जिनको विहार करने की इच्छा है वो नवदीप धाम का आश्रय करके उनके गौर महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेकर के उनके भक्तों के चरणों में आश्रय लेके संसार सिंधु से जल्दी पार हो सकते। इसलिए कहा भगवान ठाकुर जी भी कहते हैं, चलो गौरवनम नवखंडमयम, चलो गौरवन में चलो। कहा गौरवन मैंने नवदीप का गौरवन राधावन गुप्त वृंदावन है वो। आजकल वृंदावन का प्रभाव है किंतु असली वृंदावन कहाँ देखने को मिलता है। जिस समय में हम पहली बार दिखा में आए उस वृंदावन की महिमा सुनकर भी ना, वृंदावन में कैसी वृंदावन है, वहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं, यमुना कलकल बह रही है, कैसे सुंदर आम कटहल विभिन्न फल फूल और सभी से भरा हुआ वृंदावन है। जब वृंदावन में आए तो ये सब कुछ देखने के लिए नहीं मिला, ये ऊपर वाले आंखों से देखने की चीज नहीं है, किंतु शास्त्र में जैसा वर्णन है वो सब चीज हमें नवदीप में देखने में मिलती है। गंगा यमुना के बीचों बीच और नवखंड में वो नवदीप धाम बसा हुआ है। विभिन्न प्रकार के केले अमरूद और सुपारी कटहल और नारियल के कैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हैं। नवदीप में जाने से देखिए कैसा घिरा हुआ पूरा असली वृंदावन वही है। श्री कलयुग में वही गुप्त वृंदावन कहा नवदीप, इसलिए इसको राधावन भी कहा गौरवन भी कहा नवदीप धाम। इसलिए चवल गौड़वन नवखंडमयम, पुराण में भी भक्त ठाकुर जी लिखते हैं नवदीप धाम भाषणों में कि नव नवखंड नवदीप धाम क्या है। बोले अष्ट सखी अष्ट धाम बन के नव सखी एक विजया मिलाकर के नव खंडों में वो बन गई है। स्वयं अष्ट सखी और विजया मिलकर ही नवखंड में नवदीप धाम बना हुआ है और गंगा जी और यमुना जी बीच में होकर के उसमें विभाग करके नवदीप धाम बना। तो चल गौरवनम नवखंडमयम वद गौर हरेश चरितानि मुदा, वहां जाकर के गौर हरिणी जो इस कलयुग के माधुर्य विग्रह है माधुरी में देवता है प्रेम और नाम देने के लिए कलयुग में आए, जीवों को
लेकर के जीवन का दुख देख करके वो इस जगत में कलयुग विशेष करके कृष्ण के बाद जो कृष्ण की इच्छाएं बाकी थी उसको पूरी करने के लिए नाम प्रेम का बहाना देकर के कि नाम प्रेम की माला सब जगत को पहना करके उनके दुख सुख कष्ट को हरण करके वो उनको सहज ही संसार से पार करके लेना ले जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे दयालु नवदीप धाम और नवदीप के नवदीप चंद्र जो गौर हरि है ना वह गौर हरे चरितानि उदा लुट गौर प्रदान की सगांग तटम गंगा के किनारे महाप्रभु जो लीला कैसे निर्दय घाट में महाप्रभु वहां से पार करके संन्यास के लिए आए। महाप्रभु जब नवदीप में रहते थे 24 साल तक नवदीप में रहे तो प्रतिदिन वहां पर गंगा किनारे स्नान करने जाते थे गंगा। तो वहां पर जो लड़कियां आती थी पूजा करने गंगा की अभी भी लोग जाते गंगा पूजा करते हैं तो महाप्रभु जी भी जाते थे वहां स्नान करने के लिए। जब लड़कियां आती थी वहां तो महाप्रभु कहते थे कि अरे किसकी पूजा कर रही है मुझे प्रसाद तो महाराज तो मुझे तो लड़कियां जो नहीं देती थी उनको तो बोलते थे तो जो मुझे नहीं देगी तो तेरे साथ साथ पति हो गए तेरा बुरा पति होगा और तेरे साथ साथ सौती होगी ऐसे उनके साथ में हंसी मजाक करते थे। और तो गंगा की पूजा करती है गंगा तो मेरी दासी है गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर तुम मेरी पूजा करो गंगा दुर्गा ये तो मेरी दासी है महेश मेरे किंकर दास है तो मेरी पूजा करो तो गंगा की पूजा करने आई है अरे मैं तुमको वरदान दूंगा गंगा क्या वरदान दे। तो ये स्वयं महापुरु ऐसे गंगा तट में गंगा किनारे बहुत सारी महापुरु लीला की और जो उनको भय करके कोई युवती या लड़की उनको माला पहनाती कोई प्रसाद की देती ठीक है तेरा पति जो होगा गुणवान धन्यवान और विदर्भ पंडित होगा और तुम सुखी रहोगी ऐसे भी आशीर्वाद देते। तो वहां पर महापुरु जी इस प्रकार गंग पदा उनकी सब जो गंग तट है गंगा किनारे है उसमें बहुत सारी लीला प्रतिदिन वहाँ जगह मदाई का उद्धार कर दिया और वहां से संन्यास लेकर के महापुरु जी के इस प्रकार से कटवा जाकर के वहां संन्यास लिया निदय घाट करके युवा पत्नी को और वृद्धा माता को छोड़ करके वहां से जाकर के उन्होंने संसार से उनके जो वहां विदर्भ जिला में अपने साथियों के साथ में अपने जो संस्कृत पढ़ते थे पढ़ाते थे उनके जैसा उस समय कोई पंडित नहीं था महाप्रभु के समान विद्या इतना पढ़ने के बाद भी मुझे विद्या का फल क्या है शिष्य विद्या फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। सब विद्या पढ़ने के बाद महाप्रभु जी ने कहा कि ये विद्या से क्या हो अगर हमारे अंदर कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो जगत की विद्या पढ़ने से क्या हो जड़ विद्या जितनी है ये माया का उभय वैभव है जड़ विद्या जो माया का उभय वैभव तुम्हारा भजन ये बाधा अनित संसारी मोह जन्मीय जीव करेगा था जगत की कोई विद्या काम नहीं आएगी सब विद्या यही की यही रह जाएगी अगर भगवान के चरणों में विद्या को नहीं लगाया उसके द्वारा भगवान के चरणों में अगर हम नहीं पहुंचे तो जगत की विद्या कोई काम की नहीं। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परध्वनि निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम तो जितनी विद्या है जितनी उपाधियां हैं इस जगत की है ये सब उपाधियां यही छोड़ करके अगर भगवान के चरणों में हमको ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में अगर हमारी रतिमति हो जाए तब जाके हमारा कहीं उद्धार हो सकता है नहीं तो ये जगत की विद्याएं जो है हमें बड़ी पूरी तरह से जगत में फंसाती है। महाप्रभु ने दिखा दिया कितने बड़े विद्वान पंडित होते हुए भी उस सब कुछ छोड़ करके अपने साथियों को वहां उनके जो साथ पढ़ते थे टोल के बच्चे वो उनको भी कहते हैं क्या महाप्रभु उससे वहां से गया चले गया जाकर के उभाना तो था कि अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया में जाके श्राद्ध करने के लिए वहां पर गए श्राद्ध करने के भाने से गाय पिंड दिया और पिंड देकर के क्या कहा पिंड में अपने गुरु से मिले गुरु दीक्षा ले दी गुरु दीक्षा लेकर के बोले वही तो वहां पर गए जगन्नाथ यहाँ गया में और अपने ईश्वरपुरी पार से मिले और वहां उन्हें गुरु दीक्षा ली। तो वहां पर गया तो जाकर कहेंगे क्या की मंदिर जिला गोसाई कहा था बोल जब भी मंदिर में उतर लगा और गया में तो पिंड देने के लिए सब लोग जाते हैं गया तू हाँ महापुरु जी गए वहां पर उन्हें गुरु दक्षिणा दी गुरु से मिले और वहां से जब आए तो महापुरु जी भावुक निमाई से पंडित निमाई से भावुक निमाई हो गए और सब समय में महामंत्र जप करते थे और भाव में रहते थे। तो इस प्रकार
महाप्रभु जी ने वहां पर जाके गुरु मंत्र दीक्षा लेकर के कहा कि ये गए में तो ये श्राद्ध के लिए वह पिंडदान करते हैं, और अगर ऐसे किसी वैष्णव को श्राद्ध दर्पण का अगर किसी को भोजन कराया तो ऐसे हजारों पितरों का उद्धार होता है। इसीलिए महाप्रभु ये भी दिखा है समाप्त विधियों में जाकर के गए में पिंडदान करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जाके गए में अपने गुरु जी को प्राप्त किए। इसलिए दिखाते हैं कि भाई देखो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी होकर के उनने इस प्रकार गुरु ग्रहण किया, साधन जीवन की दीपा दी। स्वयं रामचंद्र जी श्री कृष्णचंद्र जी भी इस जगत में आकर के इस लौकिक लीला में इस प्रकार से गुरु जी को वर्णन करते हैं। साधारण लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, गुरु जी के आदरभक्ति में हमें भजन करना चाहिए, तभी जाकर के हमें कोई संसार से विस्तार पा सकते हैं। ऐसे गुरु वैष्णव की कृपा से ही सब भजन संभव है, अथवा अकेले भजन संभव नहीं है। इस प्रकार महाराज जी हम लोग को सब कृपा करें कि हम भी भजन में लग जाए। वंशा कल्पतर विश्व कृपा के गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना जनरेटर नहीं चल रहा जनरेटर यह जो कलयुग है और इसमें चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ है, इसलिए इस कलियुग को अन्य कलि कहते हैं। इसमें नाम का पृथ्वी से जतो आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरना। महाप्रभु जी कहते हैं कि पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम सब जगह नाम का प्रचार होगा। अभी हम देखते हैं शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है, कलयुग में भयंकर पाप होगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, पुरुष भी अपने धर्म को छोड़ देंगे, यहां तक कोई साधु लोग वो भोग प्राप्त होंगे जो गृही व्यक्तियों को नहीं है, एयर कंडीशन घर में रहेंगे, भोग भोगेंगे, सुख भोग करेंगे, और गृहस्थ बेचारे ऐसा हो जाएगा कि जंगलों में घूमेंगे। किंतु इस कलयुग में ऐसा नहीं देखा जाता। आज देखा जाता है कि जितना कलयुग आता जाता है उतना ही विश्व भर में पहले आज से चैतन्य महाप्रभु के पहले या कुछ दिन पहले तक प्रभुपाद हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी था, इनके पहले कहीं भी नाम का प्रचार विदेशों में नहीं था, और भारत में कुछ जगह था तो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे इस रूप में था।
किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की कृपा से उनके अनुयायियों ने भक्ति वेदांत स्वामी ने चारों तरफ विश्व में नाम का प्रचार किया और उसके पश्चात उनकी कृपा से मैं जहां कहीं बाकी भी था उन सब देशों में गया। आज विश्व में सर्वत्र नाम प्रचार हो रहा है और सभी लोग नाम का कोई भी दुराचारी भी व्यक्ति हो अजामिल जैसा तो नाम के प्रभाव से वो पवित्र हो जाता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। तो ये इंग्लैंड अमेरिका और अर्जेंटीना ब्राजील इत्यादि के लोग जो मांस मछली खाते हैं, जो अनाचार करते हैं, वो नाम करने से क्या होगा, सब धीरे धीरे छूट जाएगा। भगवान की कृपा हो। भले दोष निधे राजरस्ति हे तो महान गुणा कितना देव कृष्ण से मुक्त भगवान परम प्रजे। कलयुग का ये गुण है दोष निधे। कलयुग में केवल दोष ही दोष है, कहीं भी धर्म इत्यादि नहीं है। तो भी कलिये दोष नहीं राजनस्त है को महान गुना कितना देव कृष्णस्त। कृष्ण का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। यदि नाम करे तो एक बार भी कर दे उसका कल्याण हो गया। इसलिए इस कलयुग में अंत में जो कली आते हैं और पापियों को मार करके सत्ययुग की प्रतिष्ठा करते हैं, इस धन्य कलयुग में वो नहीं है। नाम की ऐसी महिमा है, मधुर मधुर में तत मंगलम मंगला सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्तरूपम सवितम परिगीतम मधुर मधुर मेत मधुर से भी मधुर वेद कल्पलता का सार ये नाम है। वेदों को मंथन करके तब ये ओंकार किया, ओंकार निकला और उसको जब मंथन किया तो ये मधुर से मधुर नाम कृष्ण नाम उत्पन्न। जिसको श्रद्धा हो या जैसे हो बिना श्रद्धा के एक बार सत्य एक बार भी उच्चारण कर दिया तो भव सागर से पार हो जाए। निश्चित जय नाम धेय मुनि बृंद के जनरंजनाय परमक्षरा कृते समाना धरा तुमना सुम निखिल लोक कृता आप पटले मिले नाम ध्येय मुनि बृंदगेय नाम ध्येय नाम को धारण करने वाले कृष्ण नाम को धारण करने वाले जय नाम ध्येय मुनि बृंदगेय नारद इत्यादि मुनि लोग सुखदेव व्यास इत्यादि मुनि लोग इनका निरंतर कोई वीणा पर कोई कुछ पर ध्यान करते हैं। नाम धेय मुनि बृंदगेय जनरंजनाय परमक्षरार्थ जीवों का कल्याण उद्धार करने के लिए कृष्ण ही नाम के रूप में आविर्भूत हुए हैं। नाम में जो शक्ति है कृष्ण में भी वही शक्ति है, कृष्ण में जो शक्ति है नाम में भी वही शक्ति। इसको जय नाम धेय मुनि बृंदगेय जनरंजनाय परमक्षरार्थ तो मनाद रात मना कुदी एक बार भी यदि उदीरितम मुख से उच्चारण हो जाए तो उदीरितम निखलोक कृपा जितने प्रकार के उग्र ताप है दुख है कष्ट है इससे उसका उद्धार हो जाता है, उसे छुटकारा हो जाता है। अब दमन जसोदा नंद नंद कमल न है एक बात और
तद्ब्रह्म साक्षात् कृत निष्ठयापि बिना सम्मायात बिना अनुभव गई अपई तुनाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर बहुत भेद करते हैं। तद्ब्रह्म साक्षात् कृत निष्ठयापि यदि कोई ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि करते हुए मुक्ति के किनारे तक भी पहुंच गए हैं तभी वो अपने कर्म का प्रारब्ध फल को करना पड़ता है, किंतु नाम उच्चारण करने के साथ ही साथ में भोग नहीं करना पड़ता, उनका उद्धार हो जाता है। ऐसा ये नाम है। कलयुग की एक और बड़ी भारी विशेषता है, वो विशेषता क्या है? कलयुग में मन से जो पाप करेंगे उसका फल नहीं होगा। मन से जो पाप करेंगे फल नहीं होगा, उसको इंद्रियों के द्वारा बाह्यतः करने से तब उसका फल होगा। और मन से जो पुण्यजनक कार्य करते हैं वो मन से भी करेंगे तो उसका फल हो जाता है। ऐसा कलयुग का प्रधान ये गुण है, और किसी युग में ये सब नहीं होता। इसलिए प्रार्थना करते हैं, अभदमन यशोदा नंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन प्रणत करुण कृष्णा विद्यने कस्वरूपे परमहंसते नाम अभदमन यशोदा नंदन गोपी कांत राधा कांत ये सब नंद नंदन ये सब हमारे हृदय में बसे, इन नामों की स्फूर्ति हो। अतः हे नाम है हे कृष्ण चंद्र आप कृपा। नारद बिना जीवन सुभोर में निर्जास माधुरी पूरा तं कृष्ण नाम काम पुरमे वर्षमे रसिन। नारद बजाए बिना राधिका रमन नामे बिना पर बजाते तो नारद बिना जीवन, नारद जी के बिना का जो जीवन है क्या? राधिका नाम कृष्ण। नारद बिना जीवन सुधोर्मी सुधापूर्मी अमृत का खड़ी भूत वो नाम है। अमृत का मंथन करने से ये कृष्ण नाम उत्पन्न हुआ मधु से मधु, किंतु हमारी रुचि क्यों नहीं होती? इसलिए कहते हैं कि देखो रुचि नहीं होती अपराध इस जन्म का या पूर्व जन्मों का अपराध। कृष्ण नाम तो सब एकदम नले के साथ में ही अपना काम करने लगता है, प्रेम उदित हो जाता है एक कृष्ण नाम के द्वारा, किंतु हो नहीं रहा। तदस्मसार न विक्रियता जगा विकारो नेत्रे जरा। कृष्ण नाम करने से यदि आंखों से आंसू नहीं आ गए और हृदय गदगद नहीं हो गया, रोमांच नहीं हो गया, वो नाम नहीं है। नवा अपराध है नवा भाष, नवा भाष छोड़ना भी कठिन है। नवाभास से सारे कष्ट पाप ताप साफ, इसलिए कहते हैं नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख समदम तम नमामि हरि। हरि परम, हरि परम है उनका नाम भी वैसे ही है। उनका नाम उच्चारण करने से कीर्तन करने से सब पाप, इसलिए मैं नाम का करना। नाम की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर इतना हो सके। Why?
So, I was not listening completely attentively that I can translate. I'll try my level best to do that. Srila Gurudev told that mainly the glory of holy name. In Kali Yuga, the Jiva Dharma Sarinam Sankirtan, that is the one disciple of Srila Bhakti Siddhartha Prabhupada, the Bhakti Swami Maharaj, preached all over the world. As before, there is not so much preaching in the world. And India also, in this area, some preaching was there of name, but they used to chant Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But the topless mercy of Srila Gurudev, to the teacher of Baba Mathura, another place, then it happened now all are chanting Hare Krishna in direct way, not reverse way. And as before in Kali Yuga, the ladies became independent, and it is so much coward they used to go forest. But in this Kali Yuga, it not happened like this, because it's called Dhanna Kali. The glory of Dhanna Kali, if you do any sin by mind, that is not affect you. But if you do any punya jana kami, auspicious thing by mind, even also it will affect your mind and guru impression. Srila Gurudev told that what Srila Bhakti Swami Maharaj preached all over the world, and where he could not go, Gurudev went there and preached over there and get success. Now what is the name that Gurudev told? That Mathura Mathura Metad Mangalam Mandalanam Sakala Nijamun Lishat Phalam Chit Sarupam Sakitai Padilitam Sabdaya Heleyava Vrithugana Vantare Krishna Namam Mathura Mathura Metad Mangalam Mandalanam. It's more sweeter than ever sweet. Mathura Mathura Metad Mangalam more auspicious than other auspicious things. And this is the essence of all Vedas. When it chanted the Vedas, first came Om. After that, again chanting, then come holy name. What kind of holy name is this? Then we are told that Jayanama Dhiya Munirvinda Gaya. Jayanama Dhiya Munirvinda Gaya Janaranjanaya Paramat Charakriti Tamanadaral Panadudita Nishila Pratava Patalim Vilumpasi. Jayanama Dhiya, the holy name must be victorious, the holy name must be victorious. And this holy name, sent by this holy name, sent by sundry person, the munis, like like Sukadev Goswami, Naradji and Shivji, Munivinda, Janaranjanaya. If someone will listen holy name, then it will affect the heart also, it will be very pleasing for heart. Janaranjanaya Paramaksharakrite. And it became like Akshara Brahma. Krishna has invested all his potency in this holy name. What Krishna can do, that holy name can do same thing. Paramaksharakrite. Tam anadudaduki manadudinitam. If someone takes this holy name, even without deep shraddha, even sometimes it's uttered by mouth, Akshita Manad Mahu, then what kind of miseries we have, like kinful miseries and other, it will be subsided. More than Buddha told, Yandamba Sakshat Nishtayati, Vinasamayati, Vinadam Bhogai, Apaitu Namas Puranina Tapte, Tarabda Karmeti Virauti Veda. Yandamba Sakshat Nishtayati, if someone became qualified, became eligible to Darshan of Brahma, but he had to suffer his karma, had to suffer. Without suffering, karma will not be destroyed. But holiness, if holiness manifested our chant only once, then all will be subsided. Although, holy name is so much glory, and even in chant, Narada Jivana Muni, Narada Vinan, Sudhari Nirjasri Pura, Tam Krishna Pura, Rasa Nirasena Sada, Narada Vinan Jivana Sudhari Nirjasri Pura,
The holy name is the life and soul of Narad Vina. What Narad Rishi is to do? Narad Rishi Bajai Vina Radhika Ramana Name. Namo Mani Udita Vaya Bhagavata Gita Same. Now is always chanting the name of Radhika Ramana, Radhika Ramana. So, we pray to His holy name. Oh, please manifest in our chant with full of mellow, full of rust. Although there's so much glory of holy name, so why we could not cast it? What is the thought? That Buddha told that Tadasma Saram Vidyatvatiram Yadvincha Mahami Harinama Dheyai Nabhikritata Jadavikaro Netri Jalangat Darvishi Harsha Tadasma Saram Vidyatvatiram. Our heart becomes harder like stone. So if you want to cultivate something on the stone, it is not sprout. So our heart, so harder than stone, like a rock, so nothing is sprouting there. So Tadasma Saram Vidyatvatiram. Why? Because we forget Krishna and we need so much aparat. All the Gurudev told that if you do any path, the sin by mind, it will affect your body. But Gurudev told us before, if you do aparat, offense in mind, you have to submit your affect your mind and soul also. So have to be careful for aparat, offense. So Vidyatvatiram, Yadvicha Mahami Harinama Dheyai. Although we are initiated by one of our Gurudev and taking holy name, still there is no transformation in our bodies. If someone is free from anarthas, then it will transform in the body and vikar will transform, will come like astasati vikar, tears and tears turn on the end like this. Let me jalang after this also, and we will not be so happy because we have so much offenses from Krishna. Then I want to remember Gurudev told that for the Kali Yuga, Kali Yasamdhe Rajan Chati Eko Mahan Guna Kirtana Deva Krishna Samukta Samnun Param Raje. Kali Yasamdhe Rajan, in Kali Yuga, the abode of all kinds of demerits, but in Satya Yuga, Treta Yuga and Dapar Yuga, there are so many good virtues, but in Kali Yuga, not at all. In Satya Yuga, there are four parts of dharma was there. It decreased in Treta, decreased upon Kali, only one part. So, Kali Dasan is a Rajan and so many faults is there, only demerits and demerits. But there is one good fortune in Kali Yuga, one merit. So what is that? Kirtana Deva Krishna Sir. If someone do Kirtan, being Sadhu Sangha, the guidance of Bonafide Gurudev, Mukta Sangam Param Raje, he'll be liberated from this world and he can get good destination. After the Srila Gurudev told, Pranava Dukkha Samanam Tannavami Harim Param, Srila Sukadeva Goswami concluding Srimad Bhagavatam, that if someone chant holy name, then all kind of miseries, the atharmic, adidaivic, adibhautic, the threefold miseries will subside and will go to abode of Sri Hari. Hare Krishna. What I remember, I can start my level there, so please excuse me. Hare Krishna. Thank you.